हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? बढ़िया ही होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वॉइस मेल का यूज किस प्रकार करेंगे और वॉइस मेल क्या है। तो जब आप किसी को कॉल करते हैं, किसी को बार बार कॉल करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप कॉल लॉग से उसे सर्च करते हैं, उसके बाद कॉल करते हैं, या फिर आप डायल पैड में नंबर को बार बार डायल करते हैं कुछ इस तरह से। अब जब भी कॉल करते हैं, बार बार नंबर को डायल करते हैं, बार बार सर्च करते हैं, उसके बाद कॉल करते हैं। लेकिन वॉइस मेल की मदद से आपको बार बार डायल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो किस तरह से वॉइस मेल का यूज करते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। वॉइस मेल यूज करने के लिए सबसे पहले डायल पैड ओपन करके ऊपर 3 डॉट है, इस पर क्लिक करके सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सेटिंग ओपन हो चुका है। अब आपको वॉइस मेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे में एडवांस सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, नीचे में देखें सेटअप पे एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे वॉइस मेल नंबर है, इस पर क्लिक करना है। और जिस नंबर को आप बार बार कॉल लगाते हैं उसका नंबर यहाँ पे डाल ले, या फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट से उस नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, यहाँ से नंबर सिलेक्ट करके ओके कर दें। अब यहाँ पे देखा आपका वॉइस मेल में नंबर यहाँ पे सेव हो चुका है। अब इस नंबर को जब भी आप कॉल करेंगे तो आपको क्या करना है, सीधे आपको डायल पैड ओपन करना है। डायल पैड ओपन करने के बाद यहाँ पे जो एक नंबर है उसको कुछ सेकेंड के लिए आपको प्रेस करके रखना है, यानी उंगली से दबा के रखना है। जैसे दबा के रखेंगे उस नंबर पे ऑटोमेटिक कॉल यहाँ पे लग जाएगा, जिस नंबर को आपने वॉइस मेल में सेव करके रखा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल लग चुका है। इससे क्या होगा कि आपको बार बार डायल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बार बार आपको कॉल लॉग से नंबर को खोजना नहीं पड़ेगा। आप क्या करें, सीधे आप डायल पर ओपन करके एक नंबर को प्रेस करके रखेंगे तो डायरेक्ट आपका ऑटोमेटिक कॉल यहाँ पर लग जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वॉइस मेल पसंद आ गया होगा, मतलब इसका यूज करने का तरीका मालूम चल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।